हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो बहुत ख़तरनाक है। खुदा ना करे कि इस अर्ज़ पाक पे कोई बुरा वक्त आए, बुरा दिन आए। और शुक्र है कि जो कुछ होने वाला था उससे हम बच भी गए, लेकिन ये ख़तरा अभी तक टला नहीं है। ये जो लावा है ये मुस्तकिल पक रहा है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो हम मुआहदे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसी मुआहदे के अंदर एक और क्लॉज थी जिसका कि कल इंकशाफ हुआ, वो थी कि हुकूमत पंजाब से मुतल्लिका जिन नुकात पर इत्तफाक हुआ है उन पर मिनो इन जो है वो अमल किया जाएगा। अब इसके अंदर जो नुकात हैं वो तहरीर नहीं थे जो कल मुआहदा हुआ है, लेकिन जो पता चला उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स पर भी आपने देखा कि उस मुआहदे का ऐलान जो है वो किया गया। और उसमें एक तो शिक जो है वो मैं आपको बताए देती हूँ। उसमें वज़ीर कानून जो है राना सनाउल्ला साहब वो उलमा के बोर्ड के सामने बयान देंगे, बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल किया जाएगा, ये उसकी पहली शिक है। उलमा बोर्ड के सरबरा पीर मोहम्मद अफजल कादरी होंगे और इसके अलावा बोर्ड में पीर हुसैनुद्दीन शाह, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पीर इनायतुल हक शाह, मुफ्ती सुबहान कादरी भी इसके अंदर शामिल होंगे। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी, ये उस मुआहदे की मुबैना मुआहदे की शिकों में से एक शिक है। डॉक्टर आफिया की जो रिहाई है उसके हवाले से वजारत खारजा और उनकी माँ और बहन को एतमाद में लेकर के इकदाम किए जाएंगे, ये भी उस मुआहदे की शिक है। और जाहिर है इस पर तो खैर किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। 9 नवंबर की इकबाल डे की छुट्टी बहाल की जाए, ये भी उसके अंदर शामिल है। जो सबसे खतरनाक बात है इसके अंदर वो ये है, निसाबी बोर्ड में तब्दीली के लिए तहरीके लब्बैक के दो नुमाइंदे शामिल होंगे, यानी जो पंजाब का टैक्स बोर्ड है उसके अंदर तहरीके लब्बैक के दो नुमाइंदे इसके अंदर शरीक होंगे। और इसकी तस्दीक खुद एक टीवी चैनल पर जनाब राना सनाउल्ला साहब ने कर दी है और इस भी की भी तस्दीक की है कि वो बोर्ड के सामने पेश होंगे। लिहाजा अब तहरीके लब्बैक पंजाब का जो टैक्स बोर्ड है वो लिखेगी। और इससे पहले ऐसी मिसाल हरिपुर में भी देखने को मिली थी कि वहां पे एक और मकतबा फिक्र के जो उलमा थे उनको टैक्स बोर्ड में शामिल किया गया केपीके के हवाले से, ये खबरें भी आई। तौहीन रिसालत के मुकदमात के अंदराज को आसान बनाया जाएगा और हर साल 25 नवंबर को शहदाए नामूसे रिसालत का दिन मनाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस पे तो हम बाकी सब लोग तो कोई इतना वो नहीं कर रहे, लेकिन जो ये निसाब वाला मामला है इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि किस हद तक खतरनाक है और क्या हमने वाकई रियासत को और अपने मुस्तकबिल को चंद मुल्लाओं के हवाले कर दिया है, चंद लोगों के हवाले कर दिए जो अपनी मर्जी से निसाब जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो पोलिटिकल एंगल है वो भी मैं क्विकली आपको बताऊँ और उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। मसलन ये कि मियां साहब ने आज बुलाया एहसन इकबाल साहब को और उनसे उनकी ले दे हुई उनके साथ और उनको काफी सख्त सवालात भी किए कि आप ये इसमें कौन मुलव्वस था। उन्होंने कहा मैं तन्हाई में बताऊंगा और उसकी जाहिर है कि इत्तला तन्हाई वाली तो हमें नहीं मिल सकती, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसमें साबिक वजीर आजम काफी बरहम नजर आए हैं। यह भी उसमें जो बाकी इस वक्त बात हो रही है कि जायद हामिद साहब को किसने कन्विंस किया, कुछ लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने किया। और अब से थोड़ी देर पहले खादिम हुसैन रिजवी का एक टेलीविजन चैनल के ऊपर एक उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ISI ने रजामंद किया जायद हामिद साहब को कि वो रिजाइन करें। अब पाकिस्तान के कौमी इदारों को जिस तरह से शामिल किया गया है इस पूरे मामले में और कौमी इदारे शामिल हो चुके हैं जिस तरह से इस मामले में, ये क्या रंग लाएगा इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सवालात मुतलका हैं इस मामले के ऊपर जो भी यहां पर हुआ है उस दिन ऑपरेशन के नाम पर और जिसमें सिविलियन जो सवालात थे वो बाकी रह गए उनके ऊपर भी बात होगी। और उसके साथ साथ पंजाब के वजीर आला का जो किरदार है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। खुद जो तर्जमान पंजाब हुकूमत है मलिक अहमद खान, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में यह बात कही है कि वफाक के ऊपर प्रेशर पंजाब से बिल्कुल अलग था और अब पंजाब के ऊपर जो प्रेशर है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, वो ऑलरेडी तय पा गया है। तो क्या मियां साहब को उनके अपने घर से ही नुकसान हुआ है इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हामिद रजा साहब भी आज हमारे शो पे होंगे जो कि 12 रबीउल अव्वल को किसी बड़ी तैयारी में है, कुछ और लावा भी पक रहा है
है, हुकूमत के दिन क्या गिने जा चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म अब्बासी को क्या असेंबली तहलील करनी पड़ेगी और क्या ये वाहिद हल है। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जनाब अमजद शोएब साहब, हमारे बहुत मोहतरम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब एजाज चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेम्बर भी हैं, सीनियर रुकन भी हैं और अभी एक अहम इजलास से उठ के आए हैं, इनसे भी हम कुछ अंदर की बात पूछेंगे। जनाब हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद खान साहब जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, और जनाब सेंटर सलीम मांडवीवाला साहब भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले जनाब साहब आपसे मैं आगाज करना चाहती हूँ, ये जो हुआ है इसमें अभी इल्जामात जो लगाए हैं जनाब खादिम हुसैन साहब ने, वो ये कह रहे हैं आईएसआई की वजह से जायद हामिद साहब ने इस्तीफा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है खादिम साहब को शायद पूरा इल्म ना हो, जो इस्तीफा लिखा हुआ जो दिया है उन्होंने जायद हामिद साहब ने, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने कई दफ़ा इस्तीफ़ा ऑफर किया लेकिन गालिबन पार्टी की तरफ से ये मंजूर नहीं था। तो वो तो मेरा ख्याल एक विलिंग आदमी थे इस्तीफ़ा देने के लिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उनके जहन में यही था कि ये उन्होंने ऑफर भी किया था, फिर वो माना नहीं गया। उनके जहन में खुद ये था कि अगर सिर्फ उन्हीं के नाम के ये वजह से यूं एक क्राइसिस बन रही है तो उनके ऊपर ये दबा नहीं रहना चाहिए, सो ही शुड गेट आउट ऑफ इट। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको किसी के कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तैयार थे, सिर्फ पार्टी को कन्विंस करने की ज़रूरत थी। पार्टी अगर इजाज़त देती तो मेरा ख्याल है कि ये उस लेवल पे लाजमन बातचीत हो सकता है कि कलेक्टिवली इन्होंने की हो, प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या लोगों ने। लेकिन एक बड़ी सीधी सी बात है जो हम देखते हैं, धरना पीटीआई ने भी किया था, धरना आपको याद है कादरी साहब का भी धरना था, ये भी, ये सारे धरने ख़त्म उसी वक्त हुए हैं जब आपके वो मुतालबात आपने मुज़ाकरात के जरिए ही ख़त्म किए हैं। सही बात है। और मुज़ाकरात हुए, वो मुतालबात माने गए, को गिव एंड टेक की बुनियाद और मामला ख़त्म हो गया। यही चीज़ हुकूमत पहले कर सकती थी। दुरुस्त बात। और मैं आसमा आपकी इजाज़त से एक और सजेशन जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आइंदा भी यह रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ऐसे मामला में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा, उनको कहा जी कि ये करें, उन्होंने उसमें तीन पॉइंट दे दिए कि जी ये पहले वजाहत दें। ये इसकी बजाय हुकूमत के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आप वहां इशू रखें बिल्कुल और सबके इनपुट ले लें बिल्कुल और उसके बाद फैसला करें पॉलिसी बिल्कुल। ये नहीं हो सका, ये तो खैर ये तो बहुत सही चीजें जनरल साहब जो होनी थी वो नहीं हो सकी। उसके बाद क्या होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ देखिये ये प्रॉब्लम आइंदा भी आएंगी गवर्नेंस में, ये मसले आते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये बिल वो था जिसके बारे में हुकूमत ने हमें ये कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अप्रूव किया था दस्तखत। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी भी मौजूद थी, गो के कसूर हुकूमत का था कि वो बिल में तब्दीली लेके क्यों आए, क्या मकसद था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था। चुनाचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से जो पॉलिसी इनको वजह करते उसको लेके इनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में जाते और अच्छा मैं इस ये जो आपने बात की सर इससे कोई एतराज नहीं है, मैं इस पे जरूर आऊंगी लेकिन मैं ये प्रोग्राम के बिल्कुल आगे के हिस्सों में इस पे सजेशंस पे जरूर आऊंगी जो आप दे रहे हैं। मगर हामिद रजा साहब ये जो लावा है ये तो पक रहा है, आपके ख्याल पंजाब के अंदर अभी भी माल रोड को बंद किया हुआ है, पंजाब असेंबली के सामने धरना चल रहा है, आपके ख्याल में ये मामला खत्म हो गया है या ये बढ़ने वाला है? क्योंकि हमने सुना कि आप ये कह रहे हैं कि 12 रबी अव्वल को आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ फिर होगा एक मरतबा फिर, तो क्या आप लोग फैसले कर रहे हैं और क्या अब बुनियाद क्या है जिसकी बुनियाद पे ये फैसले हो रहे हैं सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसमा बीबी आपके सामने और पाकिस्तान की पूरी कौम के सामने ये बात जाहिर हो चुकी है कि बाकायदा एक साजिश के तहत इस कानून के अंदर तरामीम की गई और मैं उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मैं मजीद गुफ्तगू करूँ, तमाम चीज़ें अजहर में शम्स हो चुकी हैं। जो लाहौर के अंदर धरना है उसके जो शुरका हैं उनका एक मुतालबा है कि शुहदा के हवाला से हुकूमत ने किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवाई, बल्कि आज अगर आप देखें तो हुकूमत ने पहले दिन ही अपने माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रावलपिंडी के अंदर 4 FIRs दर्ज करने के बाद उन्हें सील कर दिया। यानी हुकूमत ने बेसिकली धोखा देने की कोशिश की और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका नुकता नज़र भी यही है कि अगर शुहदा के हवाला से किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है तो वो हुकूमत उसको पूरा नहीं करेगी, क्योंकि आसमा बीबी ये भी एक बड़ा
इम्पोर्टेंट बहरहाल सवाल है भी, और आज पूरा माशरा, पूरा पाकिस्तानी कौम ये पूछ रही है कि जो 11 के करीब वहाँ पर शहादतें हुई हैं उसका खून किसके सर है? वो लोग जो रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, अब तो ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी को लेने के लिए तैयार नहीं है हुकूमती सफ़ों के अंदर, और किसी कभी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, किसी के ऊपर कितने लोग मरे हैं अगर 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 आपसे पूछे तो जी। देखिए, मैं जहाँ तक पुलिस के हवाले से था, इब्तदान ये इतलात आई थी कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस के तर्जमान की तरफ से ये वजाहत आ गई और हमारे उस जवान का नाम भी बाकायदा मीडिया पर पंजाब पुलिस ने दिया कि वो जख्मी ज़रूर हैं लेकिन वो शहीद नहीं हैं और उनकी शहादत की इतलात गलत हैं। अच्छा। जहाँ तक अफराद का ताल्लुक है, 9 अफराद तो बाकायदा तौर पर जो धरने के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से आइडेंटिफाई किए गए हैं। अच्छा, ठीक। और 5 एक मुतालबा तो ये हो गया हामिद रजा साहब, एक मुतालबा तो ये हो गया। फिर आप ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आपने इस्लामाबाद पे एक मर्तबा फिर यहाँ आना है, उसकी क्या वजह है? और उसमें आप कह रहे हैं तमाम अहले सुन्नत जमातें जो वो आएंगी। नहीं, ये मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त ये रियासती दहशतगर्दी वहाँ पर हुई तो चूंकि उस वक्त को मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल रहा था और ये कॉल उस वक्त हमने दी थी 12 रबीउल अव्वल की, और अब चूंकि इस हवाले से अहले सुन्नत की क्यादत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो धरने में हमारे साथी बैठे हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, मेरी गुज़श्ता रात उनके साथ मुलाकात हुई थी, मेरी आज भी उनके साथ मुलाकात है। हम किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर, हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अभी आज रात सुनी काउंसिल की मीटिंग है और एक मीटिंग कल सुबह है, हमने बहरहाल एक चीज डिसाइड की है बामी मुशावरत के साथ कि हमारी जो पहली कॉल थी इस्लामाबाद के हवाला से उस कॉल को हम लाहौर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो साथी बैठे हैं। अच्छा, यानी अब आपका फोकस जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ होगा। गुड। अच्छा, मतलब ये कि गुड इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल बनी है इसमें तो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। जायसर साहब, आप क्या समझ रहे हैं और पीटीआई क्या फैसले कर रही है और देख रही है? जी, बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मैं तो ये इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हुकूमत है ही नहीं। वैसे तो हम समझते थे कि पिछले साल डेढ़ साल से अमूमी तौर पे हुकूमत का फोकस जो है अब वो अवाम या पाकिस्तान नहीं है, वो एक ख़ानदान और उसकी हिफाजत करना और उसकी करप्शन के हवाले से जितने इशूज़ हैं। लेकिन जब से ये ख़त्म नबूवत वाले तरमीम की तरफ बात आई है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इनके हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि आज तक बड़े सवालों के जवाब आ गए हैं लेकिन इस सवाल का जवाब कभी नहीं आया कि 43 साल पहले एक इशू जो पाकिस्तान में 100% इत्तफाक राय से तय हो गया था, आपने उसे छेड़ा क्यों? आप देखिए ना, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी तब्दीली नवाज शरीफ की इत्तला और इल्म के बगैर हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व है? मैं सिर्फ यही नहीं समझता, मैं समझता हूँ कुछ अरसे से नवाज शरीफ अपने ज़ेनी एक शिफ्ट नजर आ रही थी और बैन अल-अक़वामी तौर पे जब तन्हा हुए हैं तो आपको पता ही है, जब ये ख्वाजा साहब बाहर गए हैं तो ये कादियानी लीडरशिप से जाके मिले हैं। वो तो इल्जामात है ना, नहीं, वो तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर है मीडिया से, हमारा सोर्स पुरानी तस्वीरें चल रही है, जैसे ज़ेम कादिर साहब की एक बोसे वाली आ रही है, वो भी बहुत पुरानी, वो भी पुरानी तस्वीर है। एग्जैक्टली, वो पुरानी। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की आई है, वज़ारत खारजा यानी वज़ीर खारजा होते हुए की आई है, ठीक ठीक है ना। मैं कहता हूँ उसके बाद क्या मुस्लिम लीग नून का कोई एक आदमी यहां लाकर बैठा दें, वो कहें ये मैंने खुद पढ़ी थी जी और ये ठीक थी और ये गुजर गई, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए आप मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल बिल्कुल, वो तो खराब है, सूरत हाल बिल्कुल है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं हमारे साथ है। पार्लियामेंट बिल्कुल सर, आप तरीके इंसाफ ये समझती है कि जिस कदर जल्द मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाए और मुल्क की कौमी सियासी जमातें अपना रोल अदा करना शुरू करें, और अगर आप कोई भी बिल्कुल बिल्कुल नॉट अ बैड आइडिया, ये बहुत ये ज़ाहिर है जमहूरी ये वो है। लेकिन मांडवी वाला साहब से हमारा रापता हुआ है, सेंटर साहब से, सेंटर साहब मैं आपसे ही सवाल करना चाह रही हूँ, ये अच्छा उनसे हमारा अभी तक रापता नहीं हुआ। मलिक साहब आप बताइएगा कि अब ये जो बात हो रही है कि पंजाब हुकूमत की तरफ रुख होगा और हामिद रजा साहब बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो ये बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने मुतालबे मानने हैं हमारे, ये जो मुतालबे आपने ऑलरेडी माने हैं सर, आपको एहसास है कि आपने क्या किया है?
देखिए असमा, इसमें दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो पोस्ट ऑपरेशन है, जब ये डिसीजन हो गया कि ये एक ऑपरेशन करके वहां पे जो लोग सिट इन करके बैठे हैं इनको उठाया जाएगा। तो उसके बाद एक सिचुएशन जो हुई वो ये थी कि पूरे मुल्क में इसमें कोई कलाम नहीं, कोई दो राय नहीं कि पूरे मुल्क के अंदर एक कैओस की सिचुएशन बन गई, एक लॉलेसनेस हो गई, हर तरफ स्ट्रीट पे लोग बाहर आ गए। और उसके बाद फिर अगर उसको डिफ्यूज करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया तो अच्छा किया गया, अगर ये किसी तरीके से सैनिटी प्रिवेल हुई और वहां से। लेकिन मलिक साहब, फिर आप अपनी नाकामी तस्लीम कर लेना कि आप उनके साथ नहीं डील कर सकते थे इसलिए आपने उनकी सारी बातें मान ली। मुझे आप इजाजत देंगी, जब आप इस तरह की सिचुएशन हैंडल कर रही होती है जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट प्रोवोक हुआ होता है तो उसकी हिस्ट्री भी हमारे पास मौजूद है और उसकी नाकामी के तयन में आपको बेशुमार चीजों के फैक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे। अब उसकी स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने के लिए तो आपके पास प्रेसिडेंट्स हैं तारीख के अंदर, आप उनसे इस्तेफादा कर सकती हैं अगर करना चाहें। तो ये कोई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नहीं हो रहा कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट पे वर्क हुआ, और वो भी इतने अहम इशू पर जो कि मेरे ईमान का दर्जा है, आपके ईमान का दर्जा है, जिस पे खत्म नबूवत पे हमारा कामिल यकीन है, और वो कैसे हुआ उसके ऊपर इसकी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट इस चीज को क्लियर करेगी। जैसे भी इजाज चौधरी साहब एक बात कर रहे थे तो मैंने तो हाफिज हमदुल्ला साहब को भी सुना, आप उनको लाइन पे लेना चाह रही हैं। कल वो किसी टॉक शो में बैठ के इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जब उन्होंने सेनेट की कमेटी प्रोसीडिंग्स के अंदर इस बात की निशानदेही की कि 7B और 7C जो है उनके अंदर जो डिक्लेरेशन का मामला है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। अच्छा, वैसे मलिक साहब, ये बात आप ठीक, आपने पॉइंट आउट की और उसके बाद वो बात हुई और उन्होंने सबने कहा पार्लियामेंट ने भी कि गलती है, उस गलती को ठीक भी कर लिया गया, मगर फिर आपके वजीर आला ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा और अपने अपने भाई से ये कहा कि भाई वो वजीर निकालें, तो ऐसे लग रहा है अपेरेंटली कि शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की हुकूमत के पीछे काम कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है, और अभी शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। जहां पर खत्म नबूवत का मामला आएगा वहां पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सियासत, इस पे तो लाख दफा पूरी सियासत कुर्बान है इस जात एक्टस के मामले में, और खत्म नबूवत के यकीन के ऊपर पूरी की पूरी पार्लियामेंट, सियासत, हर चीज कुर्बान। मकसद क्या है कहने का जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने फिर मुझे बीच में से एक नया सवाल कर दिया जिसकी वजह से मैं पिछले की वजात नहीं कर पाया। मैं पार्लियामेंट के कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात नहीं कर रहा कि क्या हुआ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक तरमीम जो कि पर्टिनेंट तरमीम थी और जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की मोहतरमा किशोर साहिबा की ने भी इस बात को आज इंडोर्स किया, सही है कि जब ये तरमीम आई तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हुआ क्या कि जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत सारी अमेंडमेंट्स चारों तरफ से आई, उसके अंदर पब्लिक की तरफ से भी अमेंडमेंट्स आई, ऑल कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से भी आई, पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक 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 जी, तो उसमें एक अमेंडमेंट ये भी आ गई कि सेनेट की कमेटी रीडिंग के अंदर गई, इस अमेंडमेंट के ऊपर पॉइंट आउट कर दिया गया हाफिज अब्दुल्ला साहब की तरफ से, तो उसमें आकर जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की वहां पर तो ये स्किप कर गया उनकी आय से, ऑल टुगेदर स्किप कर गया। लेकिन बार सूरत इसका मतलब है कि आप इत्तफाक कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुखालफत की वो मियां नवाज शरीफ की काबीना के लोग थे और उन्होंने उनकी, ये तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, फिर तो आप मियां नवाज शरीफ को भी इसी तरह माथो पिरा रहे हैं जी। ये इसी वजह से बात के अंदर कुछ तशनगी रह जाएगी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो लॉ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिमांड की तो ये जितने भी लोग यहाँ पर पार्लियामेंट से ताल्लुक रखते हैं या आप उसको कवर करते रही हैं गैलरी को, तो जब लॉ मूव होता है तो गवर्नमेंट की डोमिनियन एब्सोल्यूट डोमिनियन होती है, लॉ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ चीज स्किप ना कर जाए, और अगर खत्म नबूवत के मामले में कुछ चीज स्किप कर गई थी तो लॉ मिनिस्टर आपको उस पर रिजाइन कर देना चाहिए था। अच्छा, दिस इज व्हाट चीफ मिनिस्टर, बाय द वे उस वक्त उन्होंने ऑफर किया था, उन्होंने ऑफर किया था कि वो रिजाइन करेंगे, आपकी हुकूमत ने उनको मना किया कि आप ना करें, और अभी एक नई कॉन्ट्रोवर्सी में भारत ब्रेक के बाद इसके ऊपर जरूर आपसे पूछूंगी, बल्कि ब्रेक से पहले मैं सलीम साहब से हमारा रब्ता हो गया बहाल। सलीम साहब, आपने सुना कि अभी ये बात जो मलिक साहब कर रहे थे कि हामिद जायद हामिद साहब ने जब माना, उन्होंने कहा कि मुखालफत की, और जाहिर है अपेरेंटली जब ये पॉइंट आउट हुआ तो उन्होंने मुखालफत की थी और वो कसूरवार थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है पंजाब हुकूमत इस मामले को ना सिर्फ एग्रीवेट कर रही है बल्कि अपनी हुकूमत के खिलाफ इकदाम कर रही थी?
आसमा देखें, आपने वो सफदर साहब का आपने वो क्लिप सुना होगा कि वो कह रहे थे कि जी धरने वालों को सीरियसली लिया जाए, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि पंजाब हुकूमत इसमें सरे फहरिस्त थी। और ये जहाँ तक बिल की बात हो रही है, बिल देखें जब पार्लियामेंट में आता है ना तो हर पार्लियामेंटेरियन नहीं पढ़ता, और स्पेशली गवर्नमेंट का जो बिल है वो एक रेफर हो जाता है कमेटी को, तो उसमें 6-7 लोग होते हैं जो पूरे बिल को डिटेल में पढ़ा जाता है। और कई दफ़ा मैं आपको फैक्ट बताऊं, पार्लियामेंट में कमेटी भी नहीं पढ़ती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है कि जी इसको जल्दी कर दें, इसको ये अर्जेंट है और इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल बिल्कुल सही है, और कमेटी भी उसको पढ़े बगैर पास कर देती है। तो ये कई बिलों में ऐसे मैंने देखा है कि स्पेशली नेशनल असेंबली में, सेनेट में तो फिर भी बिल को पढ़ा जाता है और कुछ कमिटीज तो हर बिल को पढ़ती हैं, मगर ये जो एक इम्प्रेशन है ना कि पूरी पार्लियामेंट हर बिल को पढ़ती है, ये बड़ा गलत इम्प्रेशन है। और मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी लोगों ने ये बिल पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। और इस बिल में तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने जब उनको पॉइंट आउट किया तो तब लोगों को पता चला, लेकिन जायद हामिद साहब ने उस वक्त एग्जैक्टली मुखालफत की थी उस वक्त। ये गलत है, ना पढ़ना जो है ना वो। और जब ये पॉइंट आउट हुआ तो तब सारे पार्लियामेंटेरियंस को पता चला कि इस बिल में तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी शिफ्ट डाल दी है और ये चेंजेस ले आए। हाँ, लेकिन तो सब इसको ठीक कर लिया मतलब गया ना, उस गलती को फिर ठीक कर लिया गया, मगर मसला ये कि अब जब जायद हामिद साहब उस गलती को देखें, उस गलती को तब जी उस गलती को पहले भी माना जब ऑपोजिशन ने शोर मचाया और धरना शुरू हो गया, इसके बाद ये बिल को फिक्स किया गया। गवर्नमेंट को अगर पता भी चल गया था कि इसमें ये गलती हो गई है तो उन्होंने उन्होंने देखा जब ये ऑपोजिशन इसमें शोर मचा रही है और पार्टियां इसमें खड़ी हो रही है और धरना शुरू हो गया है, तब जाके उन्होंने रियलाइज किया कि भी इसको ठीक करना पड़ेगा, और हमने कोई सीधे गलती बाय डिजाइन की है या गलती हो गई है। तो ये चीजें जो थी, ये गवर्नमेंट का एक तरीकेकार था इस बिल को पास कराने का बिल्कुल। और ये जितनी आपने क्राइसिस देखी है, ये गवर्नमेंट जितनी ऐसे क्राइसिस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसी पे बात हो रही थी कि वो उनको फिर उसी वक्त, लेकिन उस वक्त जायद हामिद साहब ने ऑफर किया कि मैं रिजाइन करता हूं, जो भी क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, जिस किस्म की भी मिस्टेक हुई, हुकूमत ने रोका। अब खादिम हुसैन साहब कह रहे हैं कि ISI ने मजबूर किया है जायद हामिद साहब को, कुछ कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने मनाया कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन जो मलिक साहब की बात से लग रहा है वो तो लग रहा है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त किसी और डगर पे है और फेडरल गवर्नमेंट किसी और डगर पे है। एक मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद में आऊंगी, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि अब आगे होने क्या वाला है और क्या वाकई जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए जाएंगे, पंजाब हुकूमत करेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, और क्या जो आखिरी धरना होगा सीजन 6 जो इसका है वो ताबूत का आखिरी कील तो नहीं साबित होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जो मामला था बिल के हवाले से और जिसमें कि इस वक्त पूरी फेडरल गवर्नमेंट और सब लोग फंसे हुए हैं, ऐसे लगता है कि ये कहीं जाके किसी ऐसी हैजान के अंदर बरपा ना पाकिस्तान के अंदर हो जाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। इजाज़ चल साहब, आपको लगता है कि इस मामले से PTI ये चाहती है कि इसी मामले या इस तरह के मामलों से बचने के लिए फौरी इलेक्शन हो सके, तो वो तो नहीं होंगे क्योंकि हल्का बंदियाँ ही नहीं हो सके। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मुल्क सबसे ज़्यादा अहम है, लोग सबसे ज़्यादा अहम है, और ये सारा आईन और कानून बनता ही पब्लिक बेनिफिट के लिए है। अगर 2008 का इलेक्शन, अगर 2013 का इलेक्शन, 1998 की मरदमशुमारी भी हो सकता है, तो आप अपने मुल्क को बचाएंगे या ये इंतज़ार करेंगे कि अब देखें ना, सेनेट में वो नहीं हो सका, आगे थ्रू नहीं, अभी हो सका, तक नहीं हो सका, वो पीपल्स पार्टी का एक अपना मौका सामने आ गया है, तो किस तरह आप इस तरह डिले करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू गो टू द पोल्स बिकॉज दिस इज द ओनली
सोल्यूशन क्या है, सारी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है कि पब्लिक जब वोट देके अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर लेगी अपनी राय को, तो एक नई चीज सामने आ जाएगी। अच्छा, जैसे अब तायरुल कादरी साहब भी पाकिस्तान आ चुके हैं। एक नहीं है, मैं आप और अभी हामिद रजा साहब कह रहे थे कि अभी फिलहाल हम ये नहीं करेंगे। हामिद रजा साहब भी एक इत्तेहाद बनाए हुए हैं, डॉक्टर तायरुल कादरी भी आ गए हैं, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब भी तशरीफ फरमाए। इस मुआहदे का जिसका आप बार बार जिक्र कर रही है, ये 30 दिन के बाद दोबारा जिंदा हो रहा है। आप देखिए ना, इसमें राजा जफर रख साहब की रिपोर्ट लीक हो गई हो तो हो गई हो, उसको सामने आना है। फिर आप देखें कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का तायुन करे और 30 रोज के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए। सो देर इज अ डेड लाइन ऑन आफ्टर 30th डे। तो ये अभी आप कैसे चला सकते हैं इस मुल्क को इस इंतजामिया के साथ जो जाके जाती उम्र में बैठी रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल इधर आज जो कुछ यानी नवाज शरीफ साहब ने किया उधर नैब की अदालत में, उन्होंने एक और डिलेइंग टैक्टिक्स ले लिया कि जब हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सेंटर साहब, ये मामला आपको भी लगता है जैसे जाज चौधरी साहब ने कहा कि इसका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है, और हलका बंदियों के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी का कोई जो अभी तक वजाहत कुछ उम्मीद बनी है आज खुशी शाह के स्टेटमेंट से, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो क्या वाकई पुराने इलेक्शन लिस्टों के ऊपर इलेक्शन करा दिया जाए, या आप समझते हैं कि अपने वक्त पे ही इलेक्शन होना चाहिए? देखें, एजाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस बिल के पास होने या ना पास होने से इलेक्शन को रुकना नहीं चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, और अगर ये फर्ज करें ये सेंसस नहीं होता और ये क्राइसिस जो अभी बनी हुई है ये नहीं होती, तो आपके तो इलेक्शन वैसे ही पुराने सेंसस पे होने थे। तो इसमें मेरी नजर में पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है कि कोई क्राइसिस तो नहीं है, इसको तो बनाया जा रहा है क्राइसिस। ये अगर बिल पास नहीं होगा तो आप पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाएं, आपको किसने रोका है? कोई मसला नहीं। मगर इसको ये जैसे ये अभी इस बिल के ऊपर जो क्राइसिस क्रिएट हुई है, इसी तरह इस बिल को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इसकी वजह से कोई इलेक्टोरल क्राइसिस आएगा। कोई क्राइसिस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और एजाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और आप अगर ये बिल पास नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं होता ऑन दी एजाज साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन पहले करा दे ताकि इस मसले से जान छूटे और ये जो हैजान बढ़ता चला जा रहा है इसको पॉलिटिकल रंग दिया जाए। इलेक्शन पहले कराएं या टाइम पे कराएं, वो अगेन एक पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू होगा, तो वो तो एक अलग चीज है। बट इसको एक्सक्यूज बनाना कि जी मर्दम शुमारी नहीं हुई या सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ या प्रोविजनल पे सेंसस कराना है या उसके रिजल्ट आएंगे तो सेंसस कराएंगे, ये दिस इज अ नॉन इशू। बिल्कुल, इसको अच्छा बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हामिद रजा साहब, अगर एक महीने के बाद जिस जो कि जाहिर है बाउंड भी है गवर्नमेंट के, वो पब्लिक करे रिपोर्ट को जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट है, अगर एक महीने के बाद वो नहीं आती या उसके आपके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग दोबारा एजिटेट करेंगे, और किस हद तक आप लोग जाते हैं, और कितने ग्रुप्स उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और क्या पीटीआई भी उसका हिस्सा बन सकती है? देखिए, मैं इस बात का जवाब देने से पहले सिर्फ 30 सेकंड्स में, मलिक अहमद खान साहब हमारे भाई हैं और उन्होंने ये जो ख़त्म नबूवत पर सियासत कुर्बान करने की बात की है, मैं इसे अप्रिशिएट भी करता हूं, और मेरा यकीन है कि मलिक साहब ने ये तहे दिल से ये बात कही और ये बहुत खुश आइंद चीज़ है। मेरा एक छोटा सा गिला है कि इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा ख़त्म नबूवत के ऊपर बहरान था, साबिक वज़ीर आज़म साहब डेली बेसिस के ऊपर अदलिया के ऊपर तनकीद करते हैं, इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, उन्होंने इस इशू के ऊपर एक सिंगल स्टेटमेंट देना गवारा नहीं किया। मोहतरमा मरियम साहिबा, आसमान के ऊपर बादल आ जाए, पानी बरसना शुरू हो जाए तो उनका ट्वीट हाजिर खिदमत हो जाता है, लेकिन इस इशू के ऊपर वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी सामने नहीं आई, या उन्होंने अपनी हुकूमत से जवाब तलबी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब है, बहरहाल हमारा हक है, उन्होंने तो बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा उसका, जो मियां छोटे मियां साहब ने कहा, हम तो छोटे मियां साहब की हमायत में सड़कों के ऊपर आए थे कि छोटे भाई साहब जो बड़े भाई साहब से मुतालबा कर रहे हैं, हम उसकी तायद करते हैं कि उस शख्स को निकाला जाए।
दूसरी बात मैं आपको एक जिम्मेदारी से बताऊं, देखिए मसले का हल क्या होता है पाकिस्तान के आईन के अंदर। आसमा भी सिर्फ एक सेकंड, पाकिस्तान के आईन के अंदर एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल नाम की चीज मौजूद है और उसकी जो जुरिसडिक्शंस हैं वो ये हैं कि पार्लियामेंट जिस वक्त भी मजहब से रिलेटेड को तरामीम करेगी तो वो उनके पास भेजेगी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आप थ्रू प्रॉपर चैनल कब चलेंगे? अगर यही तरामीम जो की जानी थी ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास भेजी जाती है जिसकी के आईन ने वजाहत की है तो फिर ये मामला यहां तक ना पहुंचता। अगर आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल तक ये मजहबी मामला नहीं भेजना था और उनसे डायरेक्शन नहीं लेनी थी आपने, जो कि आईन आपको पाबंद करता है कि आपके पास मैंने मलिक साहब की गुफ्तगू सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं और भी कई प्रोग्रामों में मेरे साथ भी रहे हैं, ही हैज बीन वेरी रियलिस्टिक। वो अपने ईमान के रूह से बात कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि असल चीज यही है। शिकवा सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब से है कि उन्होंने इस मसले को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की। वो टोटली सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो तो आउट ऑफ गवर्नमेंट थे ना, नहीं वो तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पार्टी के हेड बन के बैठे हुए हैं, चला वो रहे हैं। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये चल वहां से रही है। ये गवर्नमेंट जो है पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मंजरेआम पे ले आते हैं, इस हुकूमत में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि ये सारे जेर साया हैं मियां साहब के और वहां से जाके ये अहकामात लेके तो उसके बाद हिलते हैं। नतीजा ये कि ये फैसले करने में इनको दिक्कत होती है, फैसले कर ही नहीं सकते ये, वरना ये जाहिद साहब का इस्तीफा पहले दिन ले लिया होता तो सारी बात खत्म हो जाती। ये तो अगर धरना और 20 दिन रहता या 20 मुतालबे और शामिल होते, अभी आपको लगता है कि बात खत्म हो गई है? बात तो खत्म नहीं हुई है, ये तो लग रहा है कि इस वक्त बात खत्म नहीं हुई है। वो तो पंजाब हुकूमत की तरफ उन्होंने कहा अब हमारा रुख होगा इसके बाद जो भी होगा। तारिक कादरी साहब भी आ गए, बात खत्म करने का रास्ता मौजूद है, अब इसमें अमल करें ना करें। देखें अगर हुकूमत इस पे अमल करने में मुखलिस है तो फिर तो मामला खत्म हो चुका है ना, फिर तो कोई इस पे कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि भाई आपने अब इसको लेके आगे चलना है। वैसे तो जनरल साहब ठीक कह रहे हैं, जब वायदा हो जाए तो फ्री कैन को ईमानदारी से उस पे अमल करना चाहिए। लेकिन अगर वायदे की तफसीलात के ऊपर आप गौर करें, मैं जहां चौधरी साहब की तायीद करते हैं, अमल चीजें हैं, काबिल अमल है, लेकिन सर ये तो ये अगर ये निसाब भी उन्होंने बनाना है माजरत के साथ तो ये किस किस्म का मलिक साहब आपने ये मुआहदा कर लिया जिसके ऊपर आप एग्री कर गए कि हम निसाब भी लिखेंगे? हामिद रज़ब माज़रत ये काम नहीं है, ये हुकूमत का काम होता है कि वो निसाब तश्कील। आसमा बीबी, मैं चूंकि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल नहीं था इसलिए मैं इस हवाले से कोई बात नहीं कह सकता। देखें एक बात मैं आपके प्रोग्राम में वाजह करता चलूं कि लोगों को अपने ईमान की वजाहत करने के लिए किसी कमेटी के आगे जाने की जरूरत नहीं है। वारियत है सर, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, उनको बुलाया और ये लिखा गया है खादिम हुसैन साहब ने लिखा। मैं देखे आसमा बीबी, मैं उसका उसी चीज की तरफ आने लगा हूं ना। आप देखे राणा सनाउल्ला साहब ने एक गलती की, तमाम मसाले के लोगों ने उनकी इस गलती की निशानदेही की। वो बजाय किसी कमेटी के आगे जाने के या अपनी अना को फंसाने के अगर वो उस बयान के ऊपर माफी मांग लेते हैं तो किसी कमेटी के आगे जाने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी को अपने ईमान का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, मसला ये है कि हुकूमत मामला खराब खुद करती है। और आप देखिए मैं इजाज़ चौधरी साहब और सिर्फ एक सेकंड के लिए, क्या आप अपने वजीर कानून की भी कुर्बानी देंगे? वज़ीरे कानून की, क्योंकि उनको तो जाके अपने ईमान का इजहार करना है वहाँ पे बोर्ड के सामने। देखिए मुझे एक पोजीशन की वजाहत करने की प्लीज आप इजाजत दीजिएगा। जी देखिए, जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा एक अकीदत का रिश्ता है, ये दुरुस्त है। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये मामला सरफेस हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि 7B और 7C के अंदर अगर कुछ ऐसी सूरत पैदा होगी कि कोई उसके अंदर तरमीम वाकया होगी है और वो किसी दीदा या न दनिश्ता गलती की वजह से हुई, जैसे भी उसको आप ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्ट बैक करें और साथ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी कि फैक्ट फाइंडिंग करे। अब ये दो वो इकदाम हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के अहकाम पर पार्टी की सतह पर उठाए गए। सही हो गया, अब आज इसमें वजीर कानून पंजाब के ऊपर के वो जाएंगे अपने ईमान का इजहार करेंगे, उनको माफी मिल गई तो ठीक वरना वो भी इस्तीफा देंगे। मुझे इजाजत दें इस पर भी कि देखिए जहां तक ताल्लुक है कि जो लॉ फेडरल लॉ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन आई और आपने पहले कहा कि पंजाब गवर्नमेंट लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम कर रही है,
तो इस लॉ मिनिस्टर साहब के रेजिग्नेशन में जो जाहिद हामिद साहब का था, ये इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर ने एक्सरसाइज किए, उन्होंने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली हम बात तो वो कर रहे हैं जिसकी वजाहत होनी चाहिए, जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें जो जिस मीटिंग के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे और जिसका बड़ा चर्चा है उस मीटिंग का, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थी, तो उसके अंदर ये जब डिसीजन हुई कि लॉ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन होगी, तो उस रेजिग्नेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख खाकान अब्बासी, तो फेडरल गवर्नमेंट हुए, तो एक्सेप्ट भी उन्होंने किया। अब तीसरी बात की वजाहत मैं कर दूं, जहां तक तल्लुक है राणा सनाउल्लाह साहब की और इनकी मुमासलत का कि दोनों के रेजिग्नेशन मांगे जा रहे थे, तो वो तो आपके सामने है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया, जिसको किसी सूरत नहीं खुलना चाहिए था, बड़ी बहस और तमहीज के बाद वो तय हुआ था, उसमें 53 की तारीख भी हमारे सामने है, 77 की बात भी हमारे सामने है, और 75 के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजॉल्व कर दिया गया। तो उसमें राणा सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट, जिसमें भी हामिद रजा साहब भी कह रहे हैं कि अगर उनका ईमान का अपना दर्जा है तो उनको किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सिग्नेटरी है गवर्नमेंट किसी बात पे, और राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इस बात की वजाहत पहले भी कर दी, अगर अभी भी कोई तश्न की बाकी रह गई है, तो मैं भी यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं उनके अकीदे को जानता हूं कि वो खत्मे नबूवत पर एक कामिल या ईमान रखने वाले शख्स हैं, मैं उनके खानदान को जानता हूं, उनके साथ हमारे मुरासिम है, वो हमारे कोलीग हैं, हम एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं। लेकिन निसाब में तब्दीली, या आप ये कह रहे हैं कि एक तो वो चले जाएंगे और उनके सामने वो कर लेंगे, वो खुद भी उन्होंने कहा कि मैं कर लूंगा। तीसरी और आखिरी बात निसाब के हवाले से कह रहा हूँ, देखिए ये प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का है, और अगर ये उलमा का वो बोर्ड जो ये कह रहे हैं कि उलमा की कोई कमेटी बैठेगी और को अपनी तजावीज देती है, और अगर वो तजावीज काबिल अमल होंगी खत्म नबूवत के हवाले से, तो उनको बीच में शामिल करना और तजावीज सुनने में डायलॉग, आपको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले जाऊं और व्हील को री इन्वेंट कर दूं, सब टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, बिल्कुल आपने सही, जस्ट वन लाइन, ये डिबेट तो असेंबली के फ्लोर पर होती रही, एज गेस्ट स्पीकर जाके तकरीर करते रहे खत्म नबूवत के मामले पर, अगर आप